राम राम मेरे सभी भाइयों को, तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने डोले को तकड़ा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत भाई क्या करते हैं, अपने डोले को बड़ा करने के लिए अपने बाइसेप पे ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डोला हो तकड़ा नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे डोले को तकड़ा दिखाने में सबसे ज्यादा मेहनत डोल निभाता, हमारा ट्राइसेप निभाता, वो ट्राइसेप पे ज्यादा मेहनत नहीं करते। तो भाई आज की वीडियो में मैं आज आपको जो वर्कआउट बताने वाला हूँ, बाइसेप और ट्राइसेप का दोनों का ही वर्कआउट बताने वाला, जिसको फॉलो करके आप अपने डोले को तकड़ा कर सकते हैं और तंदुरुस्त कर सकते हैं, कटिंग में आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका डोला तकड़ा होता है तो हम हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के गली मोहल्ले में कहीं पर भी इस कंडीशन में निकल जाते हैं, वही लोग कहते हैं उसका डोला कितना तकड़ा लग रहा है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं बाइसेप को तकड़ा करने के लिए, इस कंडीशन में बोल बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पर हमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको सीमेंट से इस कंडीशन में रोड को बनाना जो कि हमने यहाँ पर बना रखी है, और इस कंडीशन में अपने बाइसेप का वर्कआउट फॉलो करना है। तो हम तो यहाँ पर ग्रिप पकड़ेंगे, अपनी क्लोज ग्रिप पकड़ेंगे इस कंडीशन में, चार पांच एंगल का पीछे में गैप रखेंगे और इस कंडीशन में इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे। स्लो हम नीचे आएंगे और इस क्यूज ऊपर करेंगे, स्लो नीचे, सामने से भी इस कंडीशन में देखना आपको इस कंडीशन में। तो भाई यहाँ पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं अपने बैक पे, अपने अपने जो आर्म्स है वो, अपना जो डोला है उसको स्टैंड करके यहाँ पर ये वर्कआउट कर रहे हैं। स्लो नीचे, स्लो कंट्रोल इस क्यूज करके यहाँ पर होल्ड करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारे बाइसेप पे फुल लोड है एकदम। और कुछ भाई क्या करते हैं इस वर्कआउट में, ज्यादा वो वेट ले लेते हैं और वो क्या करते हैं इस कंडीशन में ये ऐसे वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से उनका डोला बड़ा नहीं हो पाता और उनको इंजरीज के चांस भी हो जाते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, अपने हिसाब से आपको वेट लेना है और इस कंडीशन में अपने बॉडी को ज़्यादा हिलाना नहीं है। सिरो ऊपर, सिरो नीचे, सिरो ऊपर, सिरो नीचे। तो ये वर्कआउट भी हमें इस कंडीशन में फॉलो करना होगा। हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकाले मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो आप इस वर्कआउट को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपकी जो बोल है ना इस कंडीशन में आसानी से निकलने वाली है। तो इसी रोड से आपको ट्राइसेप का वर्कआउट भी फॉलो करना है, और भी आपको ट्राइसेप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि हमारे ट्राइसेप में 60 से 70% जो हिस्सा होता है हमारा ट्राइसेप का होता है और 30 से 40% हमारा बाइसेप का होता है। तो इसलिए हमारी जो ट्राइसेप की मसल है वो बड़ी होती है, तो आपको ट्राइसेप पे ज़्यादा मेहनत करनी, जिससे कि हमारा जो डोला है वो तकड़ा दिखने वाला है। तो हमें ट्राइसेप का वर्कआउट इस कंडीशन में फॉलो करना है, सिंपली शोल्डर से थोड़ा अंदर हम रोड को पकड़ेंगे और ये ऊपर की तरफ कर देंगे इस कंडीशन में, और स्लो स्लो पीछे नीचे की तरफ, और इस क्यूज ऊपर, स्लो नीचे और ऊपर, साइड से आपको देखना पूरा एकदम एक्टिविटी पूरी देखनी है, और ऐसे ही आपको ये सेम वर्कआउट करना है इस कंडीशन में। और इस वर्कआउट को आप भाई बैठ कर भी कर सकते हैं, और आपको बैठ के कंफर्टेबल नहीं होता तो भी खड़े होकर कर सकते हैं इस क्यूज कर। और भी आपको इस वर्कआउट में ज़्यादा वेट नहीं लेना है, जिसकी वजह से भाई हमारे जो पूरी एकदम बूढ़ी ऐसे लचक मार सकती है। और ज़्यादा वर्कआउट भाई आपसे, मतलब आप पहले पहले वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आपसे ज़्यादा वर्कआउट ट्राइसेप में लगेगा भी नहीं। तो स्लो स्लो मतलब हल्के वेट से, लाइट वेट से स्टार्ट करें, और एकदम आपके जो ट्राइसेप में और आपके जो बाइसेप में इतने अच्छे रिजल्ट आते चले जाएंगे। और भी आप जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं अपने बाइसेप को, बाइसेप के लिए यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो हम ये वर्कआउट लगाने किस कंडीशन में, तो हमें यहाँ पर एक ईंट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि यहाँ पर ये पड़ी हुई है सभी भाइयों के पास में होती है। तो हम इस कंडीशन में, क्यों भाई बहुत भैया को ना क्या होता है, मतलब डोला तो उनका तकड़ा होता है और उनकी जो इस कंडीशन में बोल होती है ना बोल नहीं होती है, इस कंडीशन में वो पोजिंग देते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो ये बोल को क्लियर करना बहुत ही जरूरी, जिससे कि हमारे जो पोजिंग देते हैं तो इस कंडीशन में डोला एकदम बबल टाइप लगता है। तो अभी बोल को क्लियर करने के लिए हमें कौन सा वर्कआउट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, एक ईंट को लेने के बाद घुटने के बाद अपनी कोहनी को रखना है और ऊपर इसकी यूज करना, सिलो नीचे इसकी यूज, सिलो नीचे इसकी यूज, और दोनों हैंड से आपको सेम रेपिटेशन निकालने हैं इस कंडीशन में। तो इस 10 आपको इससे निकालने, 10 ही हमें इससे निकालने, अभी हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे 2 वर्कआउट हो चुके हैं ट्राइसेप, मतलब बाइसेप के, और 1 हो चुका है ट्राइसेप का। तो भाई आप वहाँ पर लगाने वाले हैं लास्ट और फाइनल वर्कआउट अपने ट्राइसेप के लिए, जो कि हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं। इस कंडीशन में ईट को पकड़ना का एक तरीके से, बॉडी को सीधा रखेंगे, यहाँ पर लाएंगे सिलो पीछे कर, यहाँ पर लाएंगे सिलो पीछे कर देंगे, इसकी यूज करके पूरा एकदम पूरा पीछे करना है, जिससे कि जो हमारी जो बचली ऐसी जो ट्राइसेप है ना वो आसानी से बन जाएगी इसकी यूज करके। तो इस वर्कआउट को भी आपको इसी कंडीशन में फॉलो करना होगा, इसके साथ साथ आपको अच्छी डाइट भी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे 2 वर्कआउट हो चुके हैं ट्राइसेप के और 2 हो चुके हैं
बाइसेप के। और आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि हमारे जो रेपिटेशन है वो दोनों ही वर्कआउट में आपको ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम रेपिटेशन ज्यादा निकालते हैं तो हमारी जो मतलब मसल होती है ना वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाती है, और मसल को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है कि हमारी जो मसल है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और जब भी बढ़ेगी जब आप अपनी मसल को डाइट देंगे। कुछ भाई क्या करते हैं, वर्कआउट तो करते हैं पर वो अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, उसी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो भाई आपको रिजल्ट अच्छे लेने तो भी वर्कआउट के साथ साथ अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जब भी आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले 101% आपको रिजल्ट आने वाले, आपका जो डोला है वो तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से होने वाला है। तो भी आज की वीडियो में हमारा कुछ भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, थैंक यू।